पहले नाइट एडिशन और हाल ही में अपनी सौतेली बहन की लगाई हुई आग को बुझाने के लिए युंडे ने निकाला है भाई एडवेंचर एडिशन और उसकी यहाँ पे अपने को बेजिंग मिलती है। और क्या ये गाड़ी वो सेल्टोस फेसलिफ्ट के सामना कर पाएगी, क्या ये कंपटीशन के सामने टिक पाएगी, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में रहने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। और साइड से हम देखें तो यहाँ पे एक मेजर चेंजेस है, वो आपको है यहाँ पे रगेड सी स्प्लिट पिट हो उपलब्ध होती है। और यहाँ पे आप एलॉय भी देखो, काफी अपने को एकदम ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अपने को एलॉय व्हील मिलेंगे 17 इंच के, जो अपने को नाइट एडिशन में आता वही मिलेगा। और यहाँ पे हम देखो जो आप कैलिपर्स देख रहे हो वो अपने को रेड कलर की इंसर्ट के साथ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो ORV है वो भी आपको है ब्लैक कलर की थीम में मिलेंगे। इसके अंदर आपको ड्यूल टोन भी आएगा, जो ग्रीन कलर आता है वो काफी बढ़िया लगता है इसके अंदर। और ये जो आपको एडवेंचर एडिशन है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल विनिस में मिलेगा, जो मैं एक जान के शौक हो गया, क्योंकि भाई देखो इसके अंदर हम पास पैक्स की बात करते हैं आपको 144 Nm का ही टॉर्क मिलता है, और डीजल की हम बात करते हैं 250 Nm का टॉर्क मिलता है। तो मुझे लगता है कि भाई ये एडवेंचर एडिशन तो इसके अंदर आप एडवेंचर कर पाओगे, तो जिसमें ज़्यादा पावर होगी उनमें ये एडिशन देना चाहिए था ना। बट आई डोंट थिंक कि यार क्रेटा वाले जो थे ना वो डीजल का वेटिंग और डीजल बढ़ाना चाहते थे, और अगर ये डालते तो इसकी प्राइसिंग अप्रोक्सी 30-24 लाख इसके टॉप एंड पे जाते ना तो बढ़ जाती। और कई लोग भाई कहेंगे कि भाई क्रेटा तो 24 लाख की आती है, वैसे हम जैसे फॉर्च्यूनर होती है ना वो कहते हैं कि GR एडिशन 60 लाख में, बाकी जो वेरिएंट देखे तो 52-53 लाख उतने में आ जाते हैं, बट कहते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर अब तो 60 लाख में आते, वो एक पर्सपेक्टिव यूनिट खड़ा नहीं करना चाहती। वही का रीज़न मुझे लगता है नहीं, यहाँ पे अपने को रूफेस पे देखेगा अपने को पूरे के पूरे ब्लैकआउट की थीम में मिलेगी। यहाँ पे जो हम सिल्वर कलर की फिनिशिंग में मिलता था ना वो यहाँ पे अपने को ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ मिलेगा। साइड में आपको ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं, एक यहाँ पे अपने को स्लिप पिट हो गई एंड यहाँ पे अपने को दोनों तरफ एडवेंचर एडिशन की है यहाँ पे बैजिंग उपलब्ध होती है। अब चल देर पीछे के पीछे क्या मिलता है अपने को, और यहाँ पे हम पीछे की तरफ से देखें तो कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे अपने को कोई भेद भेद नहीं मिलता। और ये वेरिएंट की मैं बात करूँ तो SX एडवेंचर वेरिएंट है, हम अप्रॉक्स गिनने जाए ना तो SX K9 एंड नॉर्मल जो SX वेरिएंट आता हुआ उससे 40,000 महंगी है एडवेंचर एडिशन। और ये मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ दी वैल्यू दी मनी वेरिएंट लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की इंटीरियर मिलता है, जो आप खोज रहे थे कि भाई मुझे ब्लैक कलर की इंटीरियर चाहिए क्रेटा में, तो आपको नाइट एडिशन में भी मिलेगा। बट जो हम प्राइसिंग देखें नाइट एडिशन थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है, बट इसके प्राइसिंग थोड़ी सी कम, और आपको न्यू फीचर्स भी मिले। इंटीरियर में काफ़ी बढ़िया फीचर है जो आपको मैं वीडियो आगे जैसे जाएगी मैं वहाँ पर भी बताऊँगा। और पीछे से देखें तो काफ़ी बढ़िया लुक मिलता है, और एडवेंचर एडिशन या फिर हम नाइट एडिशन देखें कुछ मेजर चेंज नहीं होता है ऑन एक्सटीरियर, हम बाकी सारी चीज़ आपको सेम ही मिलती है। इसकी टेल लाइट काफ़ी बढ़िया लगती है, और इसके बूट स्पेस भी दिखाई दे, चलो ना मैं आपको ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बूट स्पेस मिला काफ़ी बढ़िया, अपने को बूट स्पेस मिला, देखते कि इसका जो एलॉय व्हील है वो कितने इंच का आता है। यहाँ पे अपने को अगर 1 इंच छोटा ही आएगा, ये चीज़ है भाई, अगर सेम इसका टायर होता है तो आपको वो ही लगा कि आप लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पीस ऑफ माइंड आएगी। अगर इंच छोटा होता है तो आपको है थोड़ा सा आगे जाके इसे चेंज करवाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे अपने को बूट लैंप हो गया, एंड यहाँ पे हम देखें तो कोई अपने को चार्जिंग सॉकेट होल नहीं मिलता। बाकी इसका जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर देखे तो AHSS से बनाई गई, मतलब कि एडवांस हाई स्टील स्ट्रेंथ, और भाई ये ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार लेके आए, तो अच्छा है कि टाटा और महिंद्रा वाले ये नहीं है यूज़ करे, वरना तो भाई क्या ही होता उन सभी का। और सेफ्टी की बात निकल ही रही है तो मैं बता दूं इसके अंदर आपको 6 एयरबैग ऐसे स्टैंडर्ड आएंगे, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होगा, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होगा, वो सारी चीज़ें मिलेगी। फिर भी अपने को जो है सेफ्टी तो 3 स्टार आती है। चार्जिंग एंटीना वो अपने को ब्लैक कलर की थीम में मिलेगा। आपको पूरी गाड़ी में जो छोटे मोटे जो कॉस्मेटिक चीज़ें आती थी पहले, जो यहाँ पे सिल्वर कलर का आता था, वो अपने को अब ब्लैक कलर का मिलेगा। ऊपर रूफ एस भी देखे तो ब्लैक कलर के PNO फिनिश में आएगा, और जो ORV देखे वो को ब्लैक कलर की थीम में उपलब्ध होगी। एंड आगे की तरफ से हम देखें ना तो
गाड़ी के आगे थोड़ी सी जगह मुझे नहीं मिले तो मैं यहाँ पे हैंड कैम में दिखा दो आपको, सेम ड्राइव भी हेडलाइट मिलेगी, DRS हो गए यहाँ पे अपने को, है हैलोजन फॉग लैंप हो गए यहाँ पे अपने को, टर्न इंडिकेटर्स हो गए, एंड बीच में देखे तो आपको पूरी पूरी यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर की थीम में ग्रिल मिलेगी, आपको काफ़ी अच्छा लुक है इसके अंदर निकल के आ जाता है। और K9 एडिशन में क्या होता है कि यहाँ पे अपने को रेड कलर का इंसर्ट मिलता है, इसके अंदर आपको फुल्ली ब्लैक कलर की ग्रिल में तो काफ़ी बढ़िया लगती है, और जो इंडिया का लोगो है वो भी अपने को ब्लैक कलर में मिलता है। एंड आगे की तरफ ऐसे कोई चेंज नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि आपको 1.5 पेट्रोल इंजन ही मिलता है, आपको कोई डीजल ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता। और आगे और पीछे दोनों तरफ अपने को डिस्क ब्रेक आती है, और आगे की तरफ अपने को रेड कैलिपर मिलेगी, पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉस कटिंग की गई है, यहाँ पे अपने को रेड कैलिपर नहीं मिलता आपको जो नॉर्मली आता, वही यहाँ पे अपने को सिल्वर कलर मिलता है। और चलते हैं इसके अंदर से देखें तो पूरा इंटीरियर जो है अपने को ब्लैक कलर की थी मिलने को, और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ग्रीन कलर की है फिनिशिंग दी जाती है, यहाँ पे अपने को AC वेंट के सराउंडिंग भी हम देखें अपने को ग्रीनिश कलर की थीम दी जाती है जो काफ़ी बढ़िया लगती है। और अब इसे चालू करें ना तो यहाँ पे अपने को एम्बिएंट लाइटिंग भी है जो, और एक मेन थीम जो आप मैं हैंड कैम में करूँगा जो आपको है इस वेरियंट में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको 10 इंच की टच स्क्रीन हो गई, यहाँ पे अपने को ऑटो डिमिंग REM हो गया, सनरूफ हो गई पैनोरामिक सनरूफ वो आ जाती है, और ये भाई मैनुअल इकलौता वेरिएंट है जो आप एडवेंचर एडिशन लेना चाहते तो यही आपको मैनुअल में मिलेगा, बाकी आपको सारे ऑटोमेटिक्स में मिलेंगे। यहाँ पे अपने को वायरलेस चार्जर होगा और ऑटोमेटिक AC होगा, वो सारी चीज़ें तो मिल ही जाती है। चलिए अब मैं हैंड कैम में सारी बात करूँगा, तो देखो एक मैं इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात कर रहा था ना, वो है भाई यहाँ पे डैश कैम मिलता है जी, जो अपने को एक्स्टर के टॉप पैन में मिलता है वो अपने को यहाँ पे भी मिल जाता है। और ये डैश कैम भाई ऐसा वैसा नहीं, यहाँ पे जो अंदर का भी फुटेज है वो भी रिकॉर्ड करेगा और बाहर का भी करेगा, और देखो इसकी फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया लगती है, आप बाहर से डलवाते उसमें उतना खास मज़ा आता है नहीं। और यहाँ पे अपने को भाई पूरी फंक्शन मिलेगी, यहाँ पे अपने को SD कार्ड हो गए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे अपने को वायरलेस चार्जर हो गया, 6 स्पीड मेन लोड ट्रांसमिशन होगा, और देखते भाई इसकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी कैसी, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है ही, आपको हुंडई के जो कैमराज होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होती ही है। यहाँ पे अपने को भाई 2 कप होल्डर्स हो गए, नहीं जो आर्मरेस्ट वो आगे पीछे नहीं होगा, इसके नीचे आपको इतना स्पेस मिलेगा, तो कुछ खास ऐसे से आप कह सकते नहीं, मेरा फ़ोन ही शायद ही आएगा अगर आपका प्रो मैक्स वेरिएंट से तो आपको नहीं आएगी इसमें। एंड यहाँ पे अपने को कूल ग्लोव बॉक्स मिल रही है, यहाँ पे अपने को भाई एम्बिएंट लाइटिंग और पूरा इंटीरियर देख रहे हो आपको पूरी ब्लैक कलर की थीम में मिलेगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे इस इवेंट पे सराउंडिंग पे ग्रीन कलर की थीम मिलती है, और यहाँ पे इस वेरियंट पे यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर डायल में मिलेंगे, बाकी आप दूसरे एडवेंचर एडिशन देख रहे हो वहाँ पे अपने को डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा, और यहाँ पे अपने को आइडल स्टार्ट स्टॉप होगा, एंड यहाँ पे अपने ट्रैक्शन कंट्रोल पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड यहाँ पे अपने को हेडलाइट लेवलिंग हो गई, एंड ये जो स्टेरिंग व्हील है आपको टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं आती। एंड बाकी ओवरऑल ऊपर की तरफ देखे तो पैनोरामिक सनरूफ तो आ ही जाती है, यहाँ पे अपने को सनग्लास होल्डर होगा, यहाँ पे अपने को LED लाइट्स मिलती है, एंड यहाँ पे अपने को बाय टिकट होल्डर ही उपलब्ध होगा। बाकी अब चलते हैं पीछे के, भाई पीछे कितना अपने को स्पेस हो मिलेगा, अगर मेरा जैसा बंदा 5 फुट 8 इंच का बंदा पीछे बैठेगा तो उसे कितना कंफर्ट फील हो, इतना सारा स्पेस मिल जाएगा, तभी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बिकती हो, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। सेल्टोस से कंपेयर करें ना तो स्पेस वाइज सारी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया रहती है, बट ओवरऑल जो हुंडई की वैल्यू है वो किया से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, और सर्विस कॉस्ट भी कहीं ना कहीं हुंडई की कम आती है एज़ कम्पेयर टू द किया। एंड पीछे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे अपने को भाई देखो इस इवेंट के सराउंडेड भी यहाँ पे अपने को भाई ग्रीन कलर की फिनिशिंग मिलती है, माइनर चीज़ों पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि भाई एडवेंचर एडिशन है तो ग्रीन कलर की फिनिशिंग हमें देनी है। यहाँ पे अपने को USB टाइप ए पोर्ट अगर मोबाइल रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, एंड ऊपर पैनोरामिक सनरूफ आता है तो भाई गाड़ी में एक रौनक सी बढ़ी जाती है, और यहाँ पे देखो ब्लाइंडर है वो भी यहाँ पे उपलब्ध होगा। वैसे तो इसके S वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है, बट ये काफ़ी मतलब यूजफुल फीचर लगते हैं मुझे एज अ इंडियन कस्टमर्स देखे तो, क्योंकि इससे भाई थोड़ी सी गर्मी हो कम हो जाती है कैबिन में, और यहाँ पे बीच में देखे तो यहाँ पे अपने को भाई आर्मरेस्ट भी मिलेगा विद द कप होल्डर्स, और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हो इसके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके भाई कंक्लूजन पे, क्या आपको SX एडवेंचर एडिशन को लेना चाहिए या नहीं।
सोटो अबाउट द यूनिक रेटा कंक्लूजर और एडवेंचर एडिशन का ये वेरियंट आपको लेना चाहिए नहीं। देखो एडवेंचर एडिशन में आपको रगेड स्क्रीन प्रिंट मिल जाती है, डैश कैम मिल जाती है, आपको है सारे कॉस्मेटिक फीचर्स देखे तो यहाँ पे दोनों तरफ अपने को एडवेंचर एडिशन की फिनिशिंग मिल जाती है। और ओवर प्राइसिंग भी देखे तो 40,000 का डिफरेंस आता है, तो आपको अगर भीड़ से थोड़ा सा अलग हटके निकलना है तो ये आप वेरियंट देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग भाई क्रेटा सेल्टोस वो सारी चीज़ें लेते हैं, बट एडवेंचर एडिशन मेरी सबसे बहुत ही कम लोग लेंगे। तो आप एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जा सकते हो। और प्राइसिंग भी हम देखें तो उतना कुछ खास बड़ा नहीं है, अगर भाई 50-60 हज़ार या 1 लाख होते तो मैं डेफिनेटली कहता कि भाई नहीं ये वेरियंट आप मत लीजिए, बट ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मुझे लगा। और आपको पैनोरमिक सनरूफ हो गए और आपको है ब्लैक इंटीरियर वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है, जो एक ओवरऑल कस्टमर होता है ना वो चाहिए कि भाई मुझे ब्लैक इंटीरियर चाहिए, क्योंकि वो गंदे नहीं होते उतने, बट हाँ वो गर्मी भी उतनी ज़्यादा मिलती है। बट पर्सनल भाई एक चीज़ होती है कि नहीं मुझे ब्लैक इंटीरियर ही चाहिए, और थोड़ा सा रूट से अलग हटके निकलना है तो आप डेफिनेटली वेरिएंट ले सकते हो। और क्रेटा तो ओवरऑल भाई गाड़ी बढ़िया ही आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा कि 18 लाख तक ही आप 18-19 तक ही जाओ, 19 तो छोड़ो 18 तक ही आप क्रेटा पे जाओ। बाकी आप टॉप एंड देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ी सी आप दूसरी गाड़ी पे देखें, जैसे कि एक्सयूवी सैंडरेड होगी, फिर स्कॉर्पियो एन होगी, उन सारी गाड़ियों पे आप जाओगे तो आपको एक बेटर वैल्यू मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और स्पेशल थैंक्स टू गैलप्स ह्युंडई वस्त्र, अगर आपको किसी भी ह्युंडई की गाड़ी से रिलेटेड इंक्वायरी तो यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि भाई आप मेरा नाम दोगे तो आपको भाई हमारा जो स्टाफ है जैसे कि मेरा तो नहीं बट हाँ अपना ही एक घर जैसा बातचीत है, तो आपको अगर मेरे थ्रू आओगे तो आप भी मेरे घर जैसे ही, तो आपको भी ऐसा ही ट्रीट करेंगे हम, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, आपको गाड़ी फटाफट दिलवा देंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आपने मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।